आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन साथी के साथ एक ही जगह पर रहना चाहते हैं, एक ही जगह पर अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं बिता पाते। उसके पीछे का कारण ये होता है कि कई बार हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे जीवन साथी को हम वहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ की नागरिकता उसे नहीं दी जाती है, वहाँ का जो निवासी है उसे नहीं माना जाता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर ने के सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए कुछ बदलाव करने की कोशिश की है, और ये बदलाव काफ़ी सराहनीय है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आने वाला है, तो आपको बता दें कि अब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, अगर वो किसी देश के अन्य राज्य में शादी करते हैं, यानी अन्य राज्य से कोई पति या फिर पत्नी लेकर आते हैं, तो उनके पति और पत्नी को यहाँ का यानी जम्मू और कश्मीर का निवासी मान लिया जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब ये फैसला लिया गया है कि अब कोई भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला किसी अन्य राज्य में जाकर शादी करता है या अपना जीवन साथी चुनता है, तो उनके जीवन साथी को यहाँ पर यानी जम्मू कश्मीर में नागरिकता प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, यानी कि वो भी अब से जम्मू कश्मीर के नागरिक है और उन्हें भी कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। जो सुविधा आज तक उनके जो हस्बैंड या फिर वाइफ को मिलता आया हुआ है, वो अब उन्हें भी मिलेगा, क्योंकि उन्हें भी अब जम्मू और कश्मीर का नागरिक मान लिया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़ी परेशानी दूर हो गई है, क्योंकि पहले जैसे स्टूडेंट्स होते थे या फिर कोई भी ऐसे लोग होते थे जम्मू कश्मीर में बाहर से जाते थे, तो उनको एक पत्र जारी किया जाता था जो कि 15 साल तक ही वैलिड होता था, जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है उसमें ही वो अपनी सेवाएं भी जम्मू और कश्मीर में दे सकता था, उसके बाद उसे अपने जगह पर लौट जाना होता था। ऐसे में अब इसमें चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि ये जो नियम था इसमें एक सातवां क्लॉज जोड़ा गया है। आपको बता दें कि ये जो नियम था जिसमें 15 साल तक ही सेवा देने की, विद्यार्थियों की पढ़ने की अनुमति थी, जिसके बाद फिर से उसे कंसीडर किया जाता था, इसको बोला जाता था डेमिसाइल प्रमाण पत्र, लेकिन अब इसमें एक सातवां क्लॉज जोड़ के अब ये कह दिया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे राज्य में किसी से विवाह करता है और अगर वो व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला या जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, तो वो जाकर जो भी वहाँ पे सरकारी ऑफिसर्स रहेंगे वहाँ पर वो जाकर अपना नागरिकता पत्र दिखा सकता है, साथ ही अपने शादी का जो प्रमाण पत्र है उसे दिखाना पड़ेगा कि वो लोग मैरिड है, और उसके बाद उनका जो भी पार्टनर रहेगा उनके साथ, उनके लिए भी यहाँ की नागरिकता उन्हें दे दी जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि जो स्थानीय तहसीलदार रहेंगे उनके पास ही ये प्रमाण पत्र जारी करने का पावर रहेगा, और ऐसे में इसको लेकर अगर कोई भी विवाद होता है तो जिला अध्यक्ष इसको अपने हिसाब से इसकी देखभाल करेंगे और इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, इस परेशानी का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि अब लोग को अपने प्रिय से, अपने जो भी साथी रहेंगे उनसे जुदाई का डर नहीं रहेगा कि आज मैं यहाँ पर हूँ या फिर मैं यहाँ पर हूँ, और ऐसे में मुझे मतलब 15 साल या 16 साल ही वक्त मिलेगा अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि उसके बाद उसे अपने वापस जहाँ से आई है वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे में ये एक बड़ी खुशखबरी है और लोगों को काफ़ी इससे राहत भी मिलेगी। तो ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से इस वक्त जो है एक नया क्लॉज जोड़ते हुए नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे आने वाले वक्त में लोगों को काफ़ी राहत मिलने की आशंका जताई जा रही। ऐसे में देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।